अलैकुम विवर्स, तुहाड़ा प्यारा दोस्त डॉक्टर अंसर अब्बास हिमाक तसाकड़ू दरियाए सिंध ते हूँ जगह के उत्ते जिथा केर पत्तण है जिथों केर लोग ख्वाजा गुलाम फरीद कोट मिठण वाले की तरफ सफर करते बेड़ी अबूर करते वेंदे ने। तुहाड़े सामने पिछू लेते पियो सो ए बेड़ी खड़ी है तो ही इथा केर पत्तण है इथों केर बहंदन सामने तो आपको निदरता पिया सी दूजा किनारा है पर सूर्य की वजह तो आपको सही नहीं निदरता पिया तो ये पत्तण है इथों केर लोग सफर करते वेंदे ने पार असा ही वक्त तो आपको दिसेंदे पे दरियाए सिंध के दो हिस्से एक मशरक एक मगरब हिंदे दरमियान दे विच जेड़ा ना बहु ज़्यादा आबादी है ते ठेक सारा मक तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर जेड़ा है उथा केर आबाद इलाका है जिन विच खुश्क इलाका है फलण दे दौरान तो उथा पानी आवेंदे लेकिन ही वक्त उथा केर लोग अपनी काश्त भी की पेन रिहायश भी रखी पेन और जानवर भी रखी पेन तो इथा केर पुलिस की चौकी भी होंगी रात के वक्त तो उन्हें दया बेड़िया भी दिखी वेंदे थे उन्हें कश्तर दिखी वेंदे और जुलते हैं वीडियो की तरफ दोस्तों ही वक्त असा उतर वेंदे पे जिता पुलिस हल लांचा खड़ियन वो तो आपको दिखी वेंदी भी उन्हें लांचा किए होंगे और दरिया सिंध कि सफर करें और जुलते हैं तो आपको मैं जिते जुला असा दरिया सिंध के मशरक वाली तरफ से इतने ये मशरक है दूजी साइड मगरब है तो ये किनो ये बिच खुश्क इलाका पे था फसलात भी होंगे तो इतना केर जून जुलाई के पानी का बहुत चढ़ाव होंगे जड़ी जगह पर असा वेंदे पे आए इतना केर तकरीबन कोई 10 से 15 फिट पानी होंगे फलड़ के दौरान जून जुलाई अगस्त के दरियाए सिंध बहु ही खतरनाक है सारे इलाके बहुत सारे लोग हिंदे उड़ते मार भी चुके हैं। ये खड़ी है किश्ती चोर इतों के कच्चे इलाके से क्योंकि पार कच्चे का इलाका है तो उन्हें ताकुब कराने वास्ते हुकूमत ने उन्हें कोई लांचा दिते हैं जेडे कि तेज तरीन इन्हें स्पीड मैक्सीम 120 से 130 के करीब होंगी है तो इस तो आपको दिखाया वे इंजन है वो जगह जिता उन्हें पैलेट बांधे ड्राइवर बांधे और ये अगू उन्हें कैमरा लगा हुआ है और उन्हें मशीन लगी हुई है जेरी के लोकेशन को शो करें दिए तो हिंदे जरिए ये ताकुब करें ये सामने लाइट लगी खड़ी जरिए उन्हें को रात के वक्त रोशनी हो गया कर दिए तो ये उन्हें तो है कि था कि वो कलाशी अपना जरा उन्हें तो असला है तो नहीं जाते तो फिर से करते जरिए को चोर डाकू हैं उन्हें तो ताकुब करें दें तो ये ही वास्ते बनाए हमें देखे था कि वो अपनी कलाशी रिपीटर मतलब जेड़ा भी वेपन उन्हें कि होंगे उठे ही फिक्स करते अब वो चोर या डाकू का क्या करें ताको करें और तो दूसरी तो एक छोटी लांच भी उन्हें खड़ी जी इतों के नोट सिर्फ पार वन वास्ते अपनी चौकी जी मुरादपुर है उहे तक वन कि इस्तेमाल करें तो उस तो छोटी लांच भी दिखे दो दूसरी लांच ये है इतना दो लांच हैं क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस इलाका है कच्चे का इलाका मशहूर है तुसा सुनिया हो सो दरियाए सिंध के मगरब वाली साइड के उत्ते बहुत ही बड़िया बड़िया गेंगा रहा लादी गेंग का ना सुने उस बाकी भी हैं तो वह दरियाए सिंध के पार रहा तो ही वास्ते इतना कर हुकूमत ने पुलिस को ये बोर्ड दिते ने कश्तियां दिते ने उन्हें ताकुब करें और सरहद की हिफाजत करें तो ये तो देते पे जिम्मे छोटी लांच ये वैसे लगती तो ये कोई जो पुलिस इस्तेमाल के कोई मनसूबे के तहत मतलब पार वन कि इस्तेमाल करें तो ये देखो पहले पे पाकिस्तान हाँ ये सैलाब के दौरान इस्तेमाल की वेंदी है जेडे सामने तुहाडे सूरज जिथे गरूब थींदा पे इलाके दे विच आवाम रहंदे लोग रहंदे तो उत्थां केरे राशन पहुँचावन वास्ते हिंदे उत्ते छोटा जनरेटर रखा गए और छोटी पुली लाती गए हिंदी मदद ते सिरे पार तक वेंदे वो इस्तेमाल करें डाकू वास्ते चोरें वास्ते जरे इस सरहद के उत्ते आते तफरीकारी करें चोरियां करें तो यह सिर्फ राशन पहुँचावन से एक साइड तो दूजी साइड से इस्तेमाल की वेंदी ये छोटी कश्ती है तो आओ तो को मजीद अगे तो एक इलाका दिखे जिथा केर पानी का बहुत कटाव होंगे तो आपको एंड दे विच सूरज गरूब होवन का जरा नज़ारा है ना दरियाए सिंध का बहुत ही दिलकश हसीन दिल फरेब और दिल को भावन वाला होंगे वो भी तो आपको दिखवेंदे हैं
दोस्तों तो पहले भी दसा चुका कि इत्थे केर पानी का जरा बहाव होंदे बहुत तेज होंदे और इत्थे केर जेड़ा पानी का मतलब ऊंचाई गहराई जो भी समझो इत्थे केर मैक्सिमम 15 to 20 फुट होंदी है। ते सामने फसलां ने देखो ही कणक दे बाद कोई भी फसल इत्थे केर काश्त नहीं थी सकती क्योंकि अगू गर्मियां आवेंदे और दरियाए सिंध जेड़ा है पहाड़े के उत्तों गुजरते आंदा पे जिंदी वजह के उत्ते बर्फबारी वाली जगह तो पानी जी बर्फ है वह पिघलती है दरिया के रल मिलती है और इनका इतना बहाव होंगे जो जड़ी चीज़ भी इनके सामने आ मजे तो वह को क्या कर देंगे डैमेज कर देंगे खत्म कर देंगे। ये सामने तुम्हारे जी पे उसको पहले जी है आबादी जी होंगी है पहली बंद जी वो जितना अगर उतो अगो बाल नजर से पे जो खेते बदन पहले पहले उतना अगर बंद होंगी इनके तेज बहाव की वजह के उत्ते इतना कटाव करें कि हम तुम खुद देखो ये तो आपको सामने घर नजर दे पे मेरे पिछू देखो ये सामने ये भी मेन हिंदी बन गए हैं तकरीबन कोई 400 to 500 गज पिछू सिपर पी है जी 2010 के फलर की तबाहकारी के बाद सारे इतों के जेड़े MPA साहबान MNA साहबान उन्हें दी उन्हें का बहु ही शुक्रिया कि उन्हें सबको फलड़ के बचाए लेकिन जेड़े दरियाए सिंध के अंदर रहते हैं वो हर साल फलड़ का सामना करें दिन हर साल उन्हें दे मवेशी उन्हें दे औलादा हर शायद तबाह थी वे फलड़ आवन की वजह से उन्हें को अपने घर एक दूजी जगह मुंतकिल थीना पड़े क्योंकि घर जेजा भी होवे कहीं को इतना कहनी होता कि वो अपने घर को छोड़ देवे चाहे घर कखड़े का हो चाहे सीमेंट का होंगे घर घर होंगे घर पक्षी को भी पसंद होते ये मजबूरी के तहत ही घर को छोड़ते दूजी जाते बनते ऐठियों के पहाड़े दे विच जंगले दे विच बनते अपने डेरे लेंदे और उत्थे अगर अपने बालन की रिहायश रखें तो यह तुहाड़े सामने ये इलाका निजरता पिया होसी मेरे पिछू लेते पियो तो इत्थे अगर यखा पानी ही पानी होंदे असा खुद भी फलड़ की दाते कई दफा आ चुके थे तो यह थाना कुंदई तो मैं दिखवेंदा मतलब अद्धे किलोमीटर के फासले के उत्ते दरियाए सिंध मौजूद है असा खड़े हैं मशरक वाली साइड से मगरब वाली साइड दूजी है तो हिंदे दो हिस्से एक मशरक एक मगरब मगरब की तरफ थी वे खाजा गुलाम फरीद कोट मिठान मुरादपुर फाजिलपुर डेरा गाजी खां भी निकलते जामपुर तो इतना असा जो ई पासू लगते हुए इलाका वह कुंदई सीतपुर अलीपुर सरकी खानगढ़ डोमा ये इलाके मशरक की तरफ वह मगरब की तरफ तो इतना केर पानी का इतना बहाव होंगे हूँ तो वैसे फलड़ कोई नहीं जून जुलाई के जल्द पानी का इतना अगर बहाव हो सी तो वो बहाव मैं दिखवेसा भी हूँ बहाव उनका कटाव कितना होंगे इतना के दरियाए सिंध बहु नुकसान करें दे कई दफा ही दे कश्तियां भी बुढ़ गए तो जानी नुकसान थी गए ये बहु ही खतरनाक दरिया है और इनका जरा वाहन का तरीका है वो गोल गोल हों पानी घूमते होंगे वे जड़ी शायद फस वे उनके भवारे चो नहीं निकल सकती तो आपको हिंदा नज़ारा मैं किनारे दे नाल लिखवेंदा कि किनारे दे नाल भी पानी गोल गोल घूमता पे तो आओ तो आपको लिखवेंदा मैं पानी भाई चक्कर किमें मरें दे ये तुसा इन्हें किनारे दे नाल भी दे पियो ये देखो ये पानी गोल गोल घूमते ये तुसा ये देखो ये घूम तो हिंदा जितना भी बहाव ये तो अस किनारे उत्ते बैठो तो हिंदे दरमियान दे विच क्या पता अल्लाह जाने कितना बहाव हो सी ता कितना ये हो सी बस अल्लाह हुने दी मदद करे जेड़े ही इलाके दे विच दरिया दे विच रहंदे पेन इत्थे अगर अक्सर रो लोग जेड़े ना तफरी दे तौर ते आंदे जेड़े दूर दराज इलाके दे उत्ते आंदे तो तफरी दे तौर ते आंदे इत्थे अगर सैरो तफरी करेंदे इत्थे अगर मछली वगैरह का शिकार भी करेंदे असा भी कि नहीं सैर तफरी वास्ते आम इंदो लेकिन जेड़े दोस्त भी इत्थे केर दरियाए सिंध के किनारे सैर तफरी वास्ते आवेन उन्हें को मैं गुजारिश करेंदा जड़ा भी आओ तुसा दरियाए सिंध के किनारे बहाव के
पानी के बहाव के मैक्सीम 10 फुट पिछी खड़ते अपनी वीडियो बने सो, अपनी मैमरी बने सो, अपनी याददाश्त जो कुछ करने कैमरे के जो कुछ आप फील करने और 10 फुट पिछी खड़ते बने सो, क्योंकि इनका जरा बहाव है ये दरिया थले कि जमीन को कटे दे जेंदी वजह से कन्नी के उत्ते किनारे के उत्ते वन जो वीडियो सैल्फी बने दे तलू कटाओ थी पे जिमें हुने दा वजन आते वह पानी के ढह वेंदे जेंदी वजह से हुने को गोलन मुश्किल थी वेंदे जेंदी वजह के उत्ते कीमती जानी नुकसान थी वेंदे तो ये एहतियात लाजमी करे सो। तो आओ जुलते हैं तुहाकू वो पत्तण भी दिख वेंदो ते बाकी तुहाकू दरियाए सिंध के उत्ते सूरज गरूब होवण दा जरा दिलकश दिल फरेब नज़ारा है ना वो तुहाकू मैं दिख वेसा तुसा देख ते खुद हैरान थी वेसो। तो आओ जुलते हैं दूजे वीडियो की तरफ। पहली जारी दोस्तों बन होंगी आई और उत्थे कर होंगी जिते तो कोई बाल निजरते पेन ए सामने तो को बाल निजरते पेन इतें ही पहले इतना कर बन होंगी इतना पानी का बहाव कटाओ हो हूँ जेंदी वजह के उत्ते बन जी है वह उत्था पहुँच चुके ये तो कुछ दिखेंदे पे हैं ये तो ये जड़े इलाके वाले लोग हैं ये बहुत ही मुश्किल नाल जिंदगी बसर कर 3 महीने जड़े हैं जून जुलाई अगस्त ये देखो ये बन के उत्ते इन्हें देरे लाते हुए हैं तो फलड़ के दौरान इन्हे दे कोल खावन पीवन की अशिया जड़ी वो खत्म थी वेंदन क्योंकि इतना फसलात बुढ़ वेंदन और इन्हें दा माली नुकसान थी वेंदे। विवर्स ए दरियाए सिंध के उत्ते सूरज गरूब होवण दा दिलकश नज़ारा तो दिखेंदे पियो ता ए तुसा देख नो ए सूरज गरूब थींदा पे ही वक्त मैं बैठा दरियाए सिंध दे किनारे दे उत्ते ए दरियाए सिंध वांदा पे ए सूरज गरूब थींदा पे ता ए तो नज़ारा दिखेंदे पियो सूरज गरूब होवण दा बहुत ही खूबसूरत और दिलकश।